बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदन और मध्य शीतला साधु संगति। इस दुनिया में चंदन को सबसे शीतल माना जाता है और चंद्रमा को चंदन से भी शीतल माना जाता है, लेकिन अच्छे मित्र चंदन और चंद्रमा दोनों से ही शीतल होते हैं और हमें शीतलता प्रदान करते हैं। उनसे मिलने के बाद हमें हमेशा मन को शांति भी मिलती है और बहुत खुशी भी मिलती है। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। ऐसा ही होता है ना आपके साथ जब आपका दोस्त आपको कोई धोखा देकर चला जाता है? ऐसा सभी के साथ होता है। कई बार कोई गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं तो हम उसे ये लगा लेते हैं कयास कि हमारा दोस्त सचमुच धोखेबाज है, लेकिन कई बार हमें गलतफहमियां भी हो जाती हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें अच्छे से जान पहचान लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए कि सचमुच में हमारा दोस्त धोखा हमें दे रहा है या हमें ही कोई गलतफहमी हो रही है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में तो सभी ने सुना हुआ है कि कैसे कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा की बिना उसके मुँह से बोले उसकी मन की सारी बातें जान ली और उसकी मदद करी। यही एक सच्चे दोस्त की पहचान होती है। अगर आपका मित्र किसी परेशानी में है तो आप इंतज़ार मत कीजिए कि वो आपसे मदद मांगे। अगर आपको पता चलता है कि वो किसी परेशानी में है तो आपको आगे बढ़कर खुद से उसकी मदद करनी चाहिए। यही एक सच्चे दोस्त की पहचान है। दोस्तों के बिना जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल है। मेरे लिए तो मेरे दोस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद मेरी दिल की धड़कन ही उन्हीं के नाम से चलती है। आपके दोस्त ही हैं जो आपको हमेशा सहारा भी देते हैं और खुशी भी देते हैं। और सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपके कड़वे शब्दों को भी दिल पर नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं असली में आप उनको कितना प्यार करते हैं और शायद किसी परेशानी की वजह से आपने ऐसा बोला होगा। और आप भी अगर सच्चे दोस्त हैं तो आप भी कोई भी गलतफहमी का जल्दी से शिकार नहीं होंगे और आपके दोस्त के मन की बात को बिना कहे ही अच्छे से समझ जाएंगे। दुश्मन ना करे दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। कभी आपके साथ हो जाए कि आपका दोस्त सचमुच में ही आपको दगा दे जाए तब आपका क्या हाल होगा? आप तो निराशा में डूब जाएंगे और आपका दोस्ती से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के धोखा देने से आपको निराश नहीं होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। आप अपने आसपास देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्यारे दोस्त मिलेंगे जो शायद इंतज़ार कर रहे होंगे आपका, आपके जैसे सच्चे दोस्त का, जिसके लिए इमोशंस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, पैसों की इम्पोर्टेंस नहीं है। और दोस्ती में अमीरी गरीबी का कोई स्थान नहीं। अगर ऐसा है मन में किसी के कि उसे शो ऑफ करना है दोस्ती में, तो फिर वो दोस्ती नहीं है, फिर तो वो मतलब की दुनिया है और दोस्ती में मतलब का कोई स्थान नहीं। दोस्ती का मतलब है प्यार, विश्वास। बचपन से आपको बहुत सारे दोस्त मिले होंगे, लेकिन बचपन अब बीत गया और अब जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे लाइफ लॉन्ग दोस्त हैं। बहुत लक्की हैं वो लोग, सच में बहुत लकी हैं
जिन्हें बचपन के दोस्त अभी तक मिले हुए हैं, मैं इतनी लकी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जगह बदल गई, स्टेट बदल गया और बहुत सारे कारण हुए। एक तो सबसे बड़ा कारण है डिजिटल। पहले इतना मोबाइल ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं होती थी, इसलिए हम कनेक्टेड नहीं हो सकते थे। आज हमारे पास सब कुछ है, फेसबुक है, बहुत इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम जो दोस्त बनाते हैं वो हमारे हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेंगे, लेकिन उसके अंदर ज़रूरी है प्यार और विश्वास, नहीं तो वो सारी दोस्तियाँ भी सुपरफिशियल ही रहेंगी। आज हम अपने आप से एक वादा करते हैं कि दोस्ती में हम कोई परीक्षा नहीं लेंगे और ना ही कोई परीक्षा देंगे, और बस हम प्यार ही प्यार देंगे और प्यार हम बदले में लेंगे। अगर हमारे दोस्त को कोई मदद की ज़रूरत है तो बिना पूछे, उसके बिना कहे हम हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहेंगे। और अगर हमें कोई परेशानी है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा दोस्त भी इतना समझ पाए कि हमें कोई परेशानी है। कई बार हम शो ही नहीं कर पाते कि हमें कोई परेशानी है, लेकिन अगर हमारा दोस्त नहीं समझ पा रहा है तो अपने आप से बताएं। खाली एक्सपेक्ट करके फिर दुखी होकर दोस्ती में दरार डालना, ये सारी बातें अब हम नहीं करेंगे और दोस्ती को ताउम्र निभाएंगे, क्योंकि एक दोस्ती है जो हमें हमेशा यंग रखती है। मैं अपने दोस्तों की वजह से हमेशा खुश रहती हूँ, और मेरे दोस्त ही हैं जिन्होंने मुझ में इतना आत्मविश्वास भरा है। मेरे लिए मेरे दोस्त सब कुछ हैं, वो ही मेरा परिवार है, वो ही रिश्तेदार है, और शायद मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतने अच्छे प्यारे आपके जैसे दोस्त मिले। जाने का समय हो गया, अब मैं चलती हूँ। नहीं, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोस्ती में कभी भी घड़ी नहीं देखते। दोस्तों के लिए हम हर समय अवेलेबल रहते हैं। वी शुड बी 3 AM फ्रेंड फॉर योर फ्रेंड्स। और दोस्ती होती है ऐसी है जिसमें हमें समय का पता ही नहीं चलता, घड़ी देखने की फुर्सत ही कहाँ होती है। तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन डले, तुम ही हो बंधु सखा, तुम